चैनल है उन चैनल पर मैं बड़ी अच्छी खुशखबरी दे रहा हूँ, जल्द से जल्द रोक लगने वाली है, क्योंकि वहाँ से YouTube ने बाकायदा YouTube ने उनको एक नोटिस जारी कर दिया है। आपको जानकारी दे रहा हूँ, YouTube ने एक नोटिस जारी किया है उनको, सीमा हैदर को चैनल के खिलाफ। तो उनको उनको दो दिन का टाइम दिया गया है सीमा हैदर को कि उनको जल्द से जल्द दो दिन के अंदर इन चैनल को आप किसी भी चैनल पर नहीं आओगी, अन्यथा आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो YouTube ने सर ये गाइडलाइंस इसलिए दी है कि वो मतलब इनको पहले गाइड कर रहे हैं कि देखो आपके आप चैनल पर मत आओ, नहीं तो चैनल मजबूरन हमें बंद करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनको 48 घंटे का टाइम दिया गया है YouTube से, 48 घंटे का टाइम दिया गया है सीमा हैदर सचिन मीणा को। देखिए सचिन को नहीं है, सचिन एक इंडियन है, वो उसके खिलाफ नहीं है। ये सीमा हैदर किसी भी चैनल पर जो आएगी, तो अगर ये 48 घंटे का इसको टाइम दिया गया है और 48 घंटे के अंदर इसको अगर ये किसी भी YouTube चैनल पे आती है या अपना कोई भी डांस या कुछ अपनी वीडियो वगैरह दिखाती है, तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त YouTube कार्रवाई करेगा। और इसकी जो पेमेंट है वो तो आपको जानकारी मैं आपको दे दूं, इसकी पेमेंट बंद हो चुकी है, इसकी पेमेंट भी नहीं आती है। जी आप इसकी पेमेंट जो होता है कि एक वेरीफाई होता है, जैसे जब कोर्ट में केस होता है तो इंटरनेशनल मामले में कोई महिला ऐसे अपना यूट्यूब चैनल नहीं चला सकती, और मोमिन मलिक जी ने इनके खिलाफ लिखा भी था। तो बाकायदा यूट्यूब ने उनको एक नोटिस जारी किया है सीमा हैदर को कि आप इसको जो यूट्यूब चैनल है और आपके खिलाफ एक FIR भी दर्ज है, तो उसमें किसी भी तरह से कोई भी आपका अगर चैनल चलेगा 48 घंटे, अभी आज से 48 घंटे ले लीजिए, अगर 48 घंटे में अगर इसके खिलाफ सख्त से सख्त यूट्यूब पर कोई वीडियो बनाई या चैनल है, क्योंकि यूट्यूब से बाकायदा इनको एक नोटिस जारी हुआ है, वो इसको मिल जाएगा। तो क्योंकि ये जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि मैंने अभी चेक किया था, तो जो उन्होंने यूट्यूब पे बाकायदा लिखा है कि सीमा सचिन मीणा जो मेन चैनल है जिसके 15 लाख 16 लाख जो सब्सक्राइबर हैं, उस पर खासकर उस पर एक्शन होने जा रहा है इस पर। तो एक चैनल है सचिन का, जी जी एक चैनल है सचिन का, वो क्योंकि सचिन जो इंडियन है उसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि अगर वो उसके चैनल पर आकर भी अगर वो करेगी तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि सीमा हैदर को किसी भी तरह से उसमें किसी भी चैनल पर नहीं आ सकती। ये बहुत बड़ी मैं आपको ताज़ा खबर दे रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नोटिस उसको जारी हो चुका है यूट्यूब के चैनल की तरफ से, और ये एक अच्छी है, क्योंकि हम चाहते भी हैं कि वो जिस तरह से और यूट्यूब ने स्पेशल सख्त उनको नोटिस जारी कर दिया कि 48 घंटे के अंदर अगर आप इस कोई YouTube पे आती हो तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होने जा रही है। ये मैं बिल्कुल, क्योंकि मेरी खबर मैं अपनी खबर पक्की रखता हूँ, क्योंकि मैं अपनी पक्की खबर रखता हूँ, और मैं तो खुद इसके पीछे लगा हूँ कि ये जल्द से जल्द हमारे भारत से जाए इमरान। ये अच्छी खबर है, और जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि ये सीमा हैदर का मामला सुलझे, भारत के सभी से सुलझे, और कानूनी कार्रवाई जिस पे मोमिन मलिक जी द्वारा जो भी कार्रवाई हो, इनको सख्त से सख्त इसको भारत से डिपोर्ट किया जाए, गुलाम हैदर के बच्चे मिले। और मैं तो बिल्कुल जैसे मेरी सीमा सचिन मीणा जो चैनल है 15 लाख सब्सक्राइबर है, डिशू मैं कहता हूँ एकदम डिशू। हाँ सेज फार बिल्कुल बिल्कुल सरिता जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब नहीं बचने वाली, अब नहीं बचेगी, क्योंकि YouTube जब किसी को देता है नोटिस देता है तो उस पर कार्रवाई सख्त होती है। आपको चाहता अच्छे अच्छे भी, अभी आपको एक चैनल था कि उसके 10 लाख सब्सक्राइबर थे, वो क्या नाम था उसका, एक लड़का था बिहार का, उस बेचारे पर मुझे बहुत क्या नाम थे उस बेचारे के? क्या नाम भूल गया मैं उसका, मैं उसके एक बार चैनल पे भी गया था, तो बहुत ही दुखद बात है, उसके किसी ने उसको चैनल को बंद करवाया है। और ऐसा नहीं है, मैंने उनके लिए कोशिश की है, वो मैं कल आज है तो मैं मंडे को उसका जो 10 लाख सब्सक्राइबर थे और चैनल डिलीट जैसे मरवाया गया है, तो मैंने भी उनके खिलाफ मैं उसके चैनल पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसका चैनल दोबारा से चालू हो जाए। जी जी इसे ऐसे कोई बड़ी बात नहीं,
तो हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जी जी, बहुत जबरदस्त खबर सुनाई सर आपने। जी बॉल को मैं कह रहा हूँ, मतलब दो दिन सैटरडे संडे 48 घंटे मोमिन मलिक जी को भी जानकारी जाए, इसकी जानकारी मिल जाएगी। और मेरे को जानकारी जो मिली है वो मैंने आपको बता दी है, मोमिन मलिक जी भी बाकायदा इस चीज़ को बताएंगे। तो 48 घंटे अगर वो किसी YouTube चैनल पे आती है तो YouTube चैनल जो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। और इसको इसकी जो ढोलकी थी ये बज गई है, ये ढोलकी इसकी बज चुकी है जी। फट गई ढोलकी, मैं तो कह रहा हूँ अब जैसे इस पे नोटिस होगा और इसका चैनल बंद, ये रोएगी। ये जो इनकी जो कमाई कर रहे थे शनिवार तक भी नहीं, नहीं। चक्कर मार मार वो ये कमाल मोमिन मलिक जी का ही है। ये कमाल हमारे बड़े भाई जी, ये कमाल हमारे मोमिन मलिक जी का ही है। और मैं कहता हूँ सल्यूट सर, बहुत ये आपको हाँ। भी सल्यूट सर, बिल्कुल। और मोमिन देखिए, मोमिन मलिक जी ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर ये रोएगी, और वो 24 घंटे के अंदर रो चुकी है। और ये मोमिन मलिक जी ने ही किया है। और ये बहुत, मैं कहता हूँ उनकी कार्रवाई बहुत सख्त हुई है यूट्यूब पर। यूट्यूब ने स्पेशल नोटिस इसको जारी कर दिया है, नोटिस का जवाब इसको उसको यूट्यूब पे एक मैसेज के द्वारा मिल जाएगा। और ये फिर देखेगी क्या करेगी, जैसे चैनल पे आएगी तुरंत एक्शन करेगा यूट्यूब चैनल, इसमें किसी तरह की कोई नहीं। और ये इसका जो नाच गाना ठुमके उमके जो ये अरबी एक बार तो अरबी बनी थी अरब देश की, वो आपने देखा था वो कर रही थी ना, अब इसके ऑनलाइन हो जाएगी है सऊदी अरब में। वो जो डांस था ना हाथ वाला, हेलो मैंने देखी थी, मैंने भी सरिता जी वो जो मैं कह रहा हूँ इसको ऊंट पे बैठ के अब सीधा वहाँ, उन्होंने यूट्यूब वालों ने ऊंट भेजा इनके लिए कि जल्दी बस तुम बैठ और निकल। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी खबर थी। और मैं बिल्कुल मोमिन मलिक जी का ये कमाल है, 48 घंटे के बाद अगर ये यूट्यूब पे दिखेगी, यूट्यूब बकायदा इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा फिर। जी बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी जी सरिता जी। और मैं कहता हूँ आगे भी जो भी देखिए कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया होती है, कानूनी थोड़ा आराम से होती है, एकदम जल्दी नहीं कि ये। और ये भी मैं वादा करता हूँ कि मोमिन मलिक जी, मैं कहता हूँ कि मोमिन मलिक जी का ऐसा जाल इन पर बिछ चुका है, ये चारों बच्चे भी गुलाम हैदर को, गुलाम हैदर 24 अगस्त को आ रहा है, 24 अगस्त से क्यों बता दी सुनना, बता दी जी 24 अगस्त 30 दिन का वीजा है, 24 अगस्त से लेके अगस्त सितंबर 25 सितंबर 30 दिन का वीजा है उसका। ये भी मैं कहता हूँ 24 अगस्त से 25 सितंबर तक 30 दिन का उनको वीजा मिला है, और 100% मिला है। गुलाम हैदर आ रहा है, और गजब मैं कहता हूँ ये बात नहीं है, वो 30 दिन का जो वीजा है वो उनका 100% हो चुका है। 24 अगस्त से और 25 सितंबर तक वो भारत में रहेंगे 30 दिन। 30 दिन में उनकी 5 तारीखें हैं सितंबर के अंदर, वो 5 तारीखें यो फाड़ती हुई चली जाएंगी, तारीखें। और गुलाम हैदर हर तारीख पे पेश, सुन लो इसका सफाया मैं कह रहा हूँ, इसका सफाया गंदगी, अरे रे सबसे बड़ी गंदगी इसने अपने, सुनो सबसे बड़ी गंदगी इसकी चैनल की थी। सुनो YouTube देखिए, YouTube कभी किसी चैनल को ऐसे बंद नहीं करता, लेकिन नोटिस, क्योंकि उनके खिलाफ मोमिन मलिक जी का दाव पेच, कानूनी कार्रवाई YouTube पर पहुंच चुकी है, ठीक है। और 24 अगस्त को, ठीक है जी, 24 अगस्त को बिल्कुल गुलाम हैदर, और 25 सितंबर तक 30 दिन का वीजा उसका ओके हुआ है, 100% मैं खुशखबरी दे रहा हूँ। सीमा हैदर मैं कहता हूँ कुछ दिन बस, एक और नाम है इसका जोनी सिंह। अच्छा जोनी सिंह सो रहे, कल आई थी जोनी सिंह, आई थी बिल्कुल।